नमस्कार, मैं विजय नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन 26 सितंबर को होने जा रहा है। इस परीक्षा में 31,000 पदों के लिए 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। दरअसल पिछले दिनों हुई नीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सामने आए नकल और भ्रष्टाचार के मामलों के बाद अब राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगारों ने सरकार से पुख्ता सुरक्षा की मांग की है। रीट भर्ती परीक्षा की पढ़ाई कर रहे बेरोजगारों ने बताया कि नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल गिरोह के पकड़ने जाने, एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने और परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियो वायरल होने के बाद रीट परीक्षा में शामिल होने जा रहे लाखों परीक्षार्थियों के मन में एक डर समा गया है। ऐसे में सरकार को पारदर्शी प्रक्रिया के साथ रीट भर्ती परीक्षा आयोजित करने के साथ ही धारा 144 भी लागू की जानी चाहिए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि हाल ही में आयोजित एसआई भर्ती में करीब 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया और इस भर्ती में कई नकल के मामले सामने आए, जबकि रीट परीक्षा में जिसमें करीब 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार हिस्सा लेने जा रहे हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की जाए, इंटरनेट बंद किया जाए, परीक्षा से 2 दिन पहले कोचिंग्स को बंद किया जाए और साथ ही संदिग्ध लोगों के फोन भी ट्रेस किए जाए, परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाए, तब ही परीक्षा में होने वाली धांधली को रोका जा सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार रीट भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने की तैयारी में जुटी है। शिक्षा विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन और एसओजी परीक्षा के दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी ताकि किसी भी तरह की नकल और बेईमानी को रोका जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट में नकल रोकने के लिए भी टीमों का गठन किया गया है जो प्रदेश भर में औचक निरीक्षण कर लगातार निगरानी बनाए रखेंगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।